नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भिवानी में रेलवे स्टेशन पर करोड़ों की लागत से बनेगा स्वचालित सीढ़ियां व एसी वेटिंग रूम, आम जनता को मिलेगा इसका लाभ। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। पिछले काफी समय से भिवानी रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ियों की मांग की जा रही थी। इसके चलते रेलवे प्रशासन ने भिवानी रेलवे जंक्शन पर स्वचालित सीढ़ियों का कार्य शुरू कर दिया है, जिसका फायदा आम जनता को और आम यात्रियों को मिलेगा तथा जो यात्री सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते वह स्वचालित सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे। जेके गुप्ता भिवानी रेलवे स्टेशन के अधीक्षक ने बताया कि लगभग करोड़ों की लागत से यह स्वचालित सीढ़ियां बनाई जाएंगी और जनता के लिए इसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। दूर दराज से आने वाले यात्रियों के लिए यहाँ पर वेटिंग रूम बनाया जाएगा जो फुली एसी होगा, जिसका लाभ या रात्रि को ठहरने वाले और दिन में ठहरने वाले लोगों को मिल सकेगा। वहीं रेल यात्री संघ के प्रधान महावीर डालिमिया ने बताया कि लगभग करोड़ों रुपए की लागत से ये सीढ़ियां तैयार होंगी और 6 महीने में तैयार हो जाएंगी। लगभग 80 लाख की लागत से बनने वाले वेटिंग रूम में भी जल्द ही रेल यात्रियों के लिए उसे खोल दिया जाएगा। भिवानी रेलवे स्टेशन के लिए 2 बड़ी उपलब्धियाँ रहेगी। इसके लिए उन्होंने रेलवे प्रशासन का धन्यवाद दिया। अब देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। लगभग 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा, यात्रियों से थोड़ा सा सीढ़ियों चढ़ने से बचत हो जाएगी जी, और फायदा भी होगा, बुजुर्गों को फायदा होगा, जो आदमी पैड़ी चढ़ने में दिक्कत होती है उनको फायदा होगा जी। एक आपका फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम बन रहा है जिसका कार्य प्रगति पर है, इसमें अभी समय लगेगा लगभग 6 महीने। सुनने में तो आया ऐसी लगेगा, बाकी कम्प्लीट होने के बाद बताएंगे। फिलहाल हमारे पास इसकी कोई मेला अलग होगा, अलग अलग सर। अभी पीछे वाई फाई तो हो चुका है, हुए लगभग साल भर हो चुका है, वो तो चल रहा है, पुरानी बात हो गई है। तो जी जी, तो सर इसके लिए कब तक तैयार हो जाना था, अभी टाइम लिमिट क्रॉस हो गई क्या? क्या नहीं, काम अब शुरू अभी 1.5 महीने से काम चालू हुआ है जी। भिवानी जंक्शन पर एस्केलेटर का काम जो है स्पीड से हो रहा है और 1.5 महीने में एस्केलेटर की जो सुविधाएं हैं भिवानी के यात्रियों को मिलने जा रही है। आज जिस दिन इसका हम लोग उद्घाटन करेंगे उसी दिन ही हम प्रशासन से मांग करेंगे कि प्लेटफॉर्म 2 पर भी जो है लिफ्ट लगाया जाए या एस्केलेटर लगाया जाए। और निर्माणाधीन जो वेटिंग रूम बन रहे हैं, लेडीज का अलग बनेगा, जेंट्स का अलग बनेगा, उसमें हमने मांग कर रखी है कि जो है अब वो जमाना नहीं रहा कि नॉन एसी बनाया जाए, इसलिए जो है उसकी ड्राइंग चेंज करके और शीघ्र ही जो है निर्माण कार्य जारी हो जाएगा और वेटिंग रूम एसी बनेंगे। एस्केलेटर पे लगभग 1.85 लाख रुपया खर्चा है और जो वेटिंग रूम लेडीज जेंट्स के बन रहे हैं लगभग 80 लाख रुपया खर्चा है।